अभी चार क्वेश्चन बता दिए गए थे जिसमें रेशम का नाम है दो चरवार ले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसी के बारे में आज पांचवें क्वेश्चन से आपको बताया जाएगा। परंतु यदि एक से चार तक के क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पुनः आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या ग्रुप में कमेंट करेंगे, उसको भी मेरे द्वारा अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 3.2। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे। पांचवा क्वेश्चन है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार भाग है, ऐसा भाग है, चित्र बनाते रहिएगा, आयताकार भाग है। इस भाग की जो लंबाई है, लंबाई मान लिया लंबाई x है तो चौड़ाई से 4 अधिक है, माना लंबाई x है चौड़ाई y है, तो ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, मान लेंगे माना आयताकार भाग की लंबाई x और चौड़ाई y मान लेंगे। तो आइए देखते हैं, माना आयताकार भाग के लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न आपका ये कह रहा प्यारे बच्चे कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात जो लंबाई x है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, अर्थात y चौड़ाई इसे 4 मीटर अधिक का मतलब y प्लस 4 के इक्वल होगा, 4 या y लेफ्ट आएगा तो x माइनस y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया प्यारे बच्चे, पहला बन गया। आगे कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की बीमाएं ज्ञात करिए। बीमा का मतलब होता है बेटा भुजा, बीमा का मतलब क्या है, इस बाघ की भुजा, भुजा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, इसका अर्ध परिमाप दे दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं आयत का परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सभी लोग जानते हो। लेकिन अगर अर्ध परिमाप की बात हो, अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप का मतलब इसका परिमाप का आधा, 1/2 × 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, ये दो कट गया प्यारे बच्चे। अब आपका बचा अर्ध परिमाप, दिया भी अर्ध परिमाप आपका दिया हुआ है 36, तो यहां 36 लिख सकते हैं। लंबाई आपका क्या है x है, x लिखिए प्लस चौड़ाई कितना y है तो y लिख दीजिए, अर्थात सब कुछ लेकर के x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 36, इक्वेशन नंबर 2 बन गया प्यारे बच्चे। ये दो इक्वेशन युगपत समीकरण का नाम आप लोग सुने होंगे, दो इक्वेशनों को क्लास 9th में भी आप दो समीकरणों को सॉल्व करना जान गए होंगे कि कैसे दो समीकरण हो, दो लीनियर इक्वेशन, दो रैखिक समीकरण हो, उनको सॉल्व करके x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके बारे में आप लोग ध्यान में होंगे। हालांकि आइए हम सॉल्व कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होगा। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 + 2 से, और नीचे है x प्लस वाई इक्वल टू 36, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो x से जुड़ जाएगा 2x, ये माइनस ये प्लस जुड़ेगा तो कट जाएगा, इक्वल टू 36 हो जाएगा सीधे आपका 40 प्यारे बच्चे। अब x इक्वल टू हो जाएगा 40/2, काटेंगे तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया, यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए तो हो जाएगा सीधे x अर्थात 20 माइनस y इक्वल टू 4, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू सीधे y, 20 में से 4 जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात तो y इक्वल टू 16 मीटर, यही आपका बीमा हो गया। इस आयताकार भाग की जो बीमा हुई y इक्वल टू 16 मीटर हो गया और x इक्वल टू आपका प्यारे बच्चे 20 मीटर हो गया, तो इसको आप लोग तेजी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उन्हें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते वक्त आपको ये जानना पड़ेगा कि दो युगपत समीकरण, दो रैखिक युगपत समीकरण कब समपाती होते हैं, कब समानांतर होते हैं, कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं पढ़ रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन लगे हुए हैं, फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा, अगर ये छठवा क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर लगा सकते हैं। यदि नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोबारा भी पूछ सकते हैं। आइए, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेद करती रेखा हो, समानांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग ध्यानपूर्वक ध्यान देते देखते हैं कि कब दो रैखिक समीकरण कब समपाती होते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 है और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0 है। ये समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो। कब कौन रेखा समानांतर होता है, कब समपाती होते हैं और कब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। आइए, पहला, जब इन दोनों रेखाओं में a1 / a2 = b1 / b2 ये बताया गया होगा पहले बच्चे, तब जो रेखाएं होंगी तब ये दोनों रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तब दोनों रेखा युग्म क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा प्यारे बच्चे, जब यही a1 / a2 = b1 / b2 = not c1 / c2 तब जो रेखाएं होंगी, तब दोनों रेखा युग्म समानांतर होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चे, समानांतर होंगे। और तीसरा स्टेप इसमें जो बताया गया होगा, जब a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 तो इस स्थिति में दो रेखा युग्म क्या होंगे प्यारे बच्चे, संपाती होंगी। एक बात और ध्यान देने की बात, जो भी रेखाएं प्रच्छेद करेंगी वो प्रच्छेदी रेखाएं जो होती हैं वो संगत होती हैं, जो समानांतर रेखा होती है ये असंगत होता है और जो संपाती होता है ये भी संगत रेखा कही जाती है। ये भी कहीं कहीं पूछा गया है कि कौन संगत है और कौन समानांतर असंगत है, ये भी पूछा जाता है। तो असंगत में केवल समानांतर वाला ही असंगत होता है, बाकी प्रच्छेद और संपाती ये दोनों असंगत केवल समानांतर वाला होता है और प्रतिच्छेद और संपाती दोनों संगत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका उपयोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में बहुत जबरदस्त है। इसके माध्यम से एक बार पुनः प्रयास करेंगे। ये ऐसे दिया होगा इक्वेशन कि 2x + 4y + 7 = 0 पहला होगा, 6x + 5y + 3 = 0 दूसरा होगा। कह देगा कि ये दोनों समीकरण बताइए संगत है कि असंगत है। तो पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो a1 कौन है, x का गुणांक, पहले x का गुणांक a1 है। यहां से निकाल सकते हैं कि a1 = 2 है, b1 = 4 है, c1 = 7 है। ऐसे दूसरे वाले में a2 होता है, a2 = 6 है, b2 = 5 है, c2 = 3 है। अब प्यारे बच्चे, पहले में रखेंगे a1 / a2 अर्थात 2/6 बराबर b1 / b2 अर्थात 4/5, दोनों बराबर नहीं है, अर्थात इसमें पहला वाला ही स्थिति लागू हो रहा है, अर्थात प्रच्छेद करेंगे और संगत होगा। तो इस तरीके से आपको चेक करने के लिए पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में है। हम उम्मीद करते हैं दोबारा पुनः 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन
आगे आज जो भी बताएंगे उसको आप लोग ग्रुप में भेजेंगे, तभी अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज अगले क्वेश्चन बताए जाएंगे, अन्यथा आप लोगों को मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग डेली बाय डेली, अब आपका जुलाई लग गया है परीक्षाएं देनी है, तो डेली जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जब आप ग्रुप में सॉल्व करके क्वेश्चनों को भेजेंगे तो मेरे द्वारा डेली कुछ ना कुछ बताया जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को लगाना, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो देख रहा हो वीडियो देख करके छोड़ दे रहा हो, सब लोग लगाते रहिए, जहां नहीं आ रहा उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछने का भी कार्य हम लोग करते रहिए। आइए, तो एक समीकरण दे दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0 दे दिया गया है। एक एक और दूसरा एक ऐसा समीकरण बताना है, बनाना है जो इन कंडीशनों को फॉलो कर रहा, पहला कह रहा प्रच्छेद करती रेखाएं हैं, पहला जो कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखा हो। अब हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देने की आवश्यकता है कि दो रेखाएं कब प्रच्छेद करती हैं, जब आप लोग जानते हैं कि a1 = a2 = b1/b2 तब वो प्रच्छेद नहीं करती है। तो ऐसा हमें एक और समीकरण बनाना है जिसमें b1 और b2 होगा और वह जो b1 b2 है वो ये ध्यान देने की आवश्यकता होगी वो एक दूसरे की इक्वल में हो। तो आइए प्यारे बच्चे कर देते 5x + 6y + 3 = 0। एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण नीचे मान लेते हैं कि माना 5x + 3y + 7 = 0। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसमें प्रच्छेद का कंडीशन लागू होगा, क्यों? क्योंकि a1 = आपका 2 है, b1 = आपका 3 है, c1 = -8 है। इसी प्रकार नीचे वाले से a2 b2 c2 निकलेगा, a2 = 5 b2 = 3 and c2 = 7। मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है कि समीकरण एक में जो x का गुणांक है वो a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा और अचर पद जो तीसरा पद बचता है तीसरा वो आपका c1 होगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 एंड अचर पद c2 होता है। ये आपको पता चल गया। अब प्रच्छेद का ये कंडीशन होता लगा दीजिए, देखिए क्या स्थिति बनती है, a1 का मान 2 है बटे a2 का मान 5 है तो लिख दीजिए इक्वल टू, अभी लगाइए b1 का मान 3 है तो लिख दीजिए बटे b2 का मान आपका, a1 का मान 3 है b2 का भी मान 3 है, लिख दीजिए कट करके 2/5 कभी 1 के बराबर होगा नहीं है, इसलिए ये नियम लागू होता है। अर्थात वो एक और समीकरण ये आपको प्राप्त हुआ जिसके कारण ये दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर। ऐसे आप लोग सैकड़ों एग्जाम्पल दे करके आप समझा सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए प्यारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है इसमें कि समांतर रेखाएं, समांतर होने के लिए अभी आपको कंडीशन बताया गया है कि दो रेखाएं समानांतर, दो समीकरण समानांतर, दो समीकरण युग्म समानांतर कब होती है, जब a1 / a2 = b1 / b2 = not c1 / c2। तो आइए देखते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आगे की बात होगी, हम आइए देखते हैं दूसरा कार्य समांतर रेखाओं की। देखिए इक्वेशन को मिटा दिया हमें, 2x + 3y - 8 = 0 था। आइए इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज क्या है कि रेखाएं समानांतर हो, समानांतर रेखा हो, ऐसा एक और समीकरण रैखिक समीकरण बनाना है जिसमें दोनों युग्मों को देख जांच किया जाए तो समानांतर आए। आइए बना देते हैं 4x + 6y + 9 = 0। ये अगला दूसरा समीकरण ऐसा बना दिया गया जिसमें a1 / a2 = b1 / b2 तो होगा बट नॉट इक्वल टू होगा c1 / c2। आप लोग चेक करके कमेंट बॉक्स में देंगे और हमारे ग्रुप पर भेजेंगे तो आपको इतना ही हिंट काफी है। a1 b1 c1
A2 B2 C2 इसमें रखेंगे इसको ये फॉलो कर जाएगा। आइए प्यारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके रख करके इसमें दिखाएंगे कि दो बराबर हो रहा तीसरा नहीं हो रहा है। सॉल्व करके हमारे ग्रुप में भेजिएगा। अब अगले की बारी आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा दे रहा समान संपाती रेखाएं हूं प्यारे बच्चे, फिर मिल गया वो 2x + 3y - 8 = 0। आइए तीसरा कह रहा संपाती के लिए, संपाती हो संपाती के लिए सभी लोग जानते हैं कि a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 होना चाहिए। तो एक समीकरण आइए बना देते हैं, 4x इसी का दुगुना कर दीजिए सभी अंकों का, बस आपका इक्वल हो जाएगा। और जब दो को इक्वल करना तो इन दोनों का दुगुना करके इसका दुगुना मत करके कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो आइए इसका दुगुना 4x + 3 का दुगुना 6y - 8 का दुगुना 16 = 0। अब इन दोनों समीकरणों में अगर तुलना कराएंगे प्यारे बच्चे तो ये नियम जरूर अवश्य लागू हो जाएगा, अर्थात इस स्थिति में दो रेखाएं कैसे होते हैं प्यारे बच्चे, संपाती होती है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे छठे क्वेश्चन को भी आप लोग घर बैठ करके बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बारी आएगी, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि समीकरण x - y = 1 और